नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे रोजोरी बायोटेक के बारे में। बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों इस स्टॉक में देखा जाए तो ऑलरेडी फंसे हैं। रिसेंट में ही दोस्तों हमने इस स्टॉक के ऊपर डिटेल्स वीडियो भी बनाया था, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ऐसा नहीं दोस्तों कि इस स्टॉक में आज के दिन तेजी है तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, पहले ही दोस्तों हमने इस स्टॉक के बारे में आपको बता दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों बताना चाहते हैं कि आज के दिन इस स्टॉक में बहुत दिनों के बाद अपने को तेजी देखने को मिला है। मतलब दोस्तों आपसे बताते हैं, ये स्टॉक में अगर तेजी देखने को मिलती है तो तेजी एक अच्छी खासी देखने को मिलती है, मतलब 7 से 8% इस स्टॉक में आज के दिन लगभग तेजी थी। फिर दोस्तों आपको पता है कि आखिरी क्षण में इस स्टॉक, मतलब क्या है, किसी भी स्टॉक में कुछ जो है कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, जैसा कि इस स्टॉक में भी हुआ है। बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों इस स्टॉक में फंसे हैं, जिससे रिलेटेड हम आज के दिन थोड़ा सा जो है कि कवर कर लेंगे। अभी इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए दोस्तों, उससे रिलेटेड भी हम स्टॉक में इतनी तेजी क्यों थी दोस्तों, तो उससे रिलेटेड भी हम कुछ अपने पॉइंट से डिस्कस करेंगे। चलिए हम स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं, सॉरी बायोटेक के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी की बात करें तो आज के दिन लगभग 5.5% कंपनी में तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में अगर हम 5 दिन की बात करें दोस्तों, तो 5 दिन में भी आप देख सकते हैं इस प्रकार की मतलब तेजी आपको नहीं देखने को मिलेगी। आज ही के दिन जो तेजी देखने को मिल रही दोस्तों, आज ही के दिन इसी स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। अगर हम 1 महीने की बात करते हैं तो 1 महीने में भी आप देख सकते हैं दोस्तों लगभग ये स्टॉक जो है कि डाउन ही है, 5% डाउन ही। मतलब दोस्तों आपको जो भी तेजी देखने को मिल रही है आज ही की, इसके पहले ये कंपनी डाउन थी। अगर हम 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने में स्टॉक 13 से 14% डाउन है। वाई टू डेट की बात करें तो वाई टू डेट में ये कंपनी 45% के आसपास डाउन है। ऐसे में अगर हम 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में 40 से 41%। 5 साल की बात करें दोस्तों, जितना भी रिटर्न कंपनी ने बना के दिया था ये सारा कुछ जो है कि गायब हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी ये कंपनी एक फ्लैट कारोबार कर रही, जैसा कि आप देख सकते हैं। कंपनी की बात करें दोस्तों तो ये कंपनी मतलब क्या है, ख़राब नहीं है, लेकिन क्या है दोस्तों, जिस समय इस स्टॉक में तेजी थी दोस्तों, तो इस स्टॉक मतलब तेजी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आप इसके चार्ट से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, लगभग ये स्टॉक 1600 के आसपास कंपनी ने हाई लगाया था। लो की बात करें दोस्तों तो कंपनी ने रिसेंट में लो भी लगा दिया था 648 रुपये के आसपास, जैसा कि आप देख सकते हैं। जैसा कि हमने देख लिया दोस्तों कि बहुत दिनों बाद, मतलब बहुत दिनों बाद इस स्टॉक में इस प्रकार की तेजी देखने को मिली, लगभग 7 से 8% ये कंपनी तेजी में था। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि 1375 रुपये इसका 14 जनवरी 2022 को हाई बताया जा रहा है, जो कि 52 के, लेकिन दोस्तों एक्चुअल में बताना चाहते हैं ये कंपनी लगभग 1500-1600 के आसपास हाई है। इस अगर लो की बात करें तो 648 रुपये 12 दिसंबर 2022 को कंपनी ने लो भी लगाया था, जो कि रिसेंट में ही है। अगर दोस्तों आज की बात करें तो इस स्टॉक में बहुत दिनों बाद, जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि आज के दिन थोड़ा क्या है कि केमिकल सेक्टर की बात करें तो केमिकल सेक्टर ही पूरा थोड़ा तेजी में अपने को देखने को मिला। जैसा कि आप देख सकते दोस्तों आज के दिन इस स्टॉक में एक वैल्यूम भी अच्छा खासा क्रिएट हुआ है। ऐसे में अगर दोस्तों किसी भी स्टॉक में तेजी आती है तो हो सकता है कुछ कंपनी इन्फॉर्मेशन हो दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं इन्वेस्टर के साथ मीटिंग है, जो कि दिसंबर में एक ही बार कंडक्ट हुआ है। अगर ऐसे हम बोर्ड मीटिंग की बात करें तो बोर्ड मीटिंग भी इतना कुछ खास नहीं है। यहाँ पर अगर हम कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें, मतलब कॉर्पोरेट एक्शन भी देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। शेयर होने पैटर्न की बात करें तो जितना भी प्रमोटर के पास स्टेक है कुछ भी प्लेस नहीं। बायोटेक की बात करें तो ये कंपनी करती क्या है, तो ये कंपनी स्पेशल केमिकल बनाती है। कंपनी की बात करें तो जो मतलब जो केमिकल बनाती है दोस्तों, कंपनी का केमिकल भी देखा जाए तो बेस्ट है। कंपनी की बात करें तो बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में फंसे हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कंपनी लगभग 52 खाई से 45% बताया जा रहा है, लेकिन दोस्तों 50% के ऊपर ये कंपनी डाउन है। अगर आज की बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं इस स्टॉक में हाई वैल्यूम बना है और टुडे गेन भी किया, मतलब दोस्तों आज के दिन इस स्टॉक में एक मतलब प्रॉफिट भी बना के दिया है। कंपनी की बात करें तो इसके पहले आप देख सकते हैं मतलब कितना 50,000 भी टोटल शेयर ट्रेड नहीं होते, जैसा कि आप देख सकते हैं 42,000 लगभग 60,000 153,000। मतलब दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक में वैल्यूम एकदम 9 के बराबर बनते, जैसा कि आप देख सकते हैं 20,000-25,000 के आसपास टोटल वैल्यूम बनते थे, 50,000 मतलब दोस्तों आपसे पता वैल्यूम बनते ही नहीं थे। तो आज के दिन देखा दोस्तों सबसे पहला जो पॉजिटिव साइन है दोस्तों इस स्टॉक में वैल्यूम बना है। देखते हैं दोस्तों कितना दिन तक बनता है और कितने दिन तक इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकता है। अगर स्टॉक की बात करें तो आज के दिन स्टॉक में तेजी के दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर निफ्टी 400 की बात करें, मिड कैप की बात करें दोस्तों, तो आज के दिन आप देख सकते हैं तेजी में था। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों सबसे मतलब क्या है दोस्तों, ये सारे आपको जो मिलेंगे दोस्तों डीपक फर्टिलाइजर, RAF राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर दोस्तों, मतलब सारा जो है कि केमिकल सेक्टर वाली कंपनियां आज के दिन ज़्यादा तेजी में थी, जिसके कारण स्टॉक मतलब बहुत सारे स्टॉक दोस्तों तेजी में थे। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप टाइप की बात करें दोस्तों तो बहुत सारी कंपनियां जो है कि आज के दिन तेजी में, जैसे मैं आप देख सकते हैं दोस्तों दीपक फर्टिलाइजर, सारेगामा, कल्याण ज्वेलर्स, राइट इथेनॉल, मतलब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो रजौरी बायोटेक का भी नाम है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं जो रिटेस्टर ने टॉप पे बाइंग किया है फंसे हैं, तो उनसे इतना ही कहना चाहते दोस्तों आप चाहे तो होल्ड करके चल
सकते हैं इस कंपनी की बात कर सो। देखिए हम क्या है कि बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन आपसे बताना चाहते दोस्तों कि इस कंपनी के ऊपर हमने डिटेल्स में वीडियो कई बार बनाया, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप फंसे हैं तो हम आपसे इतना ही कहना चाहते दोस्तों, आप होल्ड करके चलिए। जिस समय इस स्टॉक में दोस्तों तेजी आएगी, आप इसके तेजी को भी देख सकते हैं दोस्तों। मतलब क्या है, गिरावट तो होती है लेकिन रिकवरी कैसे रहती है दोस्तों, उससे भी हाई रिकवरी रहती है। तो ऐसे दोस्तों इस स्टॉक को थोड़ा सा क्या है कि आप चाहे तो रडार पर रख सकते हैं। जो सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन है इस स्टॉक में, वैल्यूम आज के दिन वैल्यूम अच्छा खासा क्रिएट हुआ है, तो आप चाहे तो इस स्टॉक को रडार पर रख सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जो रिटेस्टर इस स्टॉक को अभी तक बाइंग नहीं किए हैं, आप चाहे दोस्तों करंट प्राइस पर इस स्टॉक को बाइंग कर सकते हैं। आपके पास देखा जाए तो देखिए बहुत सारे रिटेस्टर ने 1600-1500 के प्राइस पर बाइंग किया है, तो उनके पास देखा जाए तो देखिए क्या है कि वो फंसे हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसे दोस्तों आपके पास फंसने के लिए कुछ भी नहीं है, आपके पास पाने के लिए बहुत ज़्यादा है। मेरे पॉइंट अगर इस स्टॉक में गिरावट होगी दोस्तों, तो हो सकता है कि ये स्टॉक लगभग 650-600 के आसपास आ सकता है। अगर हायर साइड की बात करें दोस्तों, जिस समय इस स्टॉक में तेजी आएगी तो ये स्टॉक 1000 के ऊपर भी ट्रेड होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।